नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनराइज IIT एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार एक्सेल सॉफ्टवेयर की हेल्प से सेंड में बल्क व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे आप बल्क में व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये ओपन हो रही है एक्सेल फाइल, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा सेंड, ये यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर रखे हैं और यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप कर रखा है और यहाँ पे मैंने इमेज इंसर्ट कर रखी है। जैसे मैं सेंड बल्क व्हाट्सएप मैसेज पे क्लिक करूँगा, ये मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये प्रोसेस में चल रहा है और ये देखो ऑटोमेटिकली मैसेज टाइप हो गया है और ये इमेज भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुकी है और ये सेंड भी हो गया है। और सेकेंड पे क्लिक हुआ, सेकेंड पे मैसेज टाइप हुआ, इमेज इंसर्ट हुई और ये दूसरा मैसेज भी सेंड हो चुका है। तो ये किस प्रकार किया जाता है ऑटोमेटिक, इसे बहुत सारे मैसेज एक साथ सेंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने इस पर सबसे पहले इसको बंद कर दिया मैंने, इसके बाद अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखा है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप गूगल से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद न्यू टैब ओपन करें, न्यू टैब में ओपन करें सनराइज गूगल टॉप ओपन करें, गूगल में टाइप करें सनराइज IIT एजुकेशन, देन सर्च करें। ये इस प्रकार की साइट आएगी, इस पर क्लिक करें। इसके बाद राइट हैंड साइड में ओपन सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ टाइप करें सर्विसेज। देन एंटर करें तो यहाँ पे आ रहा है सर्विसेज सर्च, इस पर क्लिक करें। इसके बाद इस प्रकार का रेड कलर का एक बटन आएगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ से करके इसको बंद कर दें। इसके बाद ये जो आपको बटन है क्लिक टू ओपन लिंक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे सर्विस कोड सर्च करना है आपको, यहाँ पर टाइप करना है 13, देन सर्च सर्विस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको ये फाइल मिल चुकी है, बल्क व्हाट्सएप मैसेज सेंड वन क्लिक। तो यहाँ से आपको इस फाइल को डाउनलोड करनी है, इसे डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैंने क्लोज कर दिया है। देन इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद यहाँ ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। देन हेल्प प्रोटेक्ट अननोन, तो अब इसको इनेबल कैसे करें। अब जैसे मैं इस पर सेंड बल्क पे करूँगा तो ये एक प्रकार का एक मैसेज ओपन होगा। इसके बाद हमें रिव्यू पे क्लिक करना है, देन प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करना है, देन प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो पे क्लिक करना है और हमको यहाँ से एक ये पासवर्ड देर का यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी। देन यहाँ पे पेस्ट करना है, देन ओके पे क्लिक करें, देन इसको सेव कर दें। अब इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद जैसे मैंने डाउनलोड फाइल ओपन करें दोबारा, ये डाउनलोड फाइल ओपन कर रखी है। अब इसको आप जहाँ पे इसको मैंने कट कर लिया और जहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना हो पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। देन अब इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद फिर ऑप्शन पर क्लिक करें। देन यह इनेबल दिस कंटेंट का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करें, देन ओके पे क्लिक कर दें। अब इसके बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड के साथ करना है हमें। जैसे मैंने यहाँ मोबाइल नंबर टाइप किया,
और यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप कर दिया वेलकम। अब जैसे हमें ये इमेज चेंज करनी है तो इसको मैंने यहाँ से कट कर ली और दूसरी इमेज इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट पे क्लिक किया, देन पिक्चर पे क्लिक करें और जैसे मैंने यहाँ से ये वाली पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। इसके बाद अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप ओपन करें, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद उसको स्कैन करें, स्कैन करने के बाद आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा कंप्यूटर में। इसके बाद यहाँ पर है सेंड बल्क व्हाट्सएप मैसेज। अब जैसे मैंने दो मोबाइल नंबर टाइप किए, दो मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिए और इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। जैसे मैं सेंड बल्क व्हाट्सएप मैसेज पे क्लिक करूँगा ये मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड होने लग जाएंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेंड, तो ये प्रोसेस चल रहा है अभी। इसको मैं दोबारा क्लोज किया, इसमें कुछ समस्या हो रही है इसलिए मैंने इसको क्लोज किया, देन दोबारा ओपन किया, देन ऑप्शन पे क्लिक किया, देन इनेबल दिस कंटेंट पे क्लिक किया, देन सेंड, तो ये मैसेज टाइप हो चुका है और यह इमेज इंसर्ट हो चुकी है और ये ऑटोमेटिकली सेंड हो रहा है। यहाँ पे ये सेंड हो चुका है और दूसरे वाले कॉन्टेंट पर यह मैसेज टाइप हो चुका है और ये इमेज इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पे ये सेंड हो गया मैसेज ऑटोमेटिकली। तो इस प्रकार आप मल्टीपल इन मेनी कॉन्टैक्ट नंबर को अलग इंडिविजुअल मैसेज और विथ इमेज के आप सेंड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।